तो दोस्तों, अब जल्द ही भारत में जो बुलेट ट्रेन दौड़ेंगी वो तो जापानीज बुलेट ट्रेन से भी कई गुना बेहतर होगी। ये बात खुद यहाँ पर जापानीज एम्बेसडर सतीश सुजुकी जी ने कहा है। पूरी बात क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। फाइनली अब बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन का काम फुल स्विंग में शुरू है और ऐसे समय में अब यहाँ पर जापानीज की जो बुलेट ट्रेन है शिंकानसेन E5 सीरीज की, जाहिर सी बात है इंडियन कंडीशंस को ध्यान रखते हुए यहाँ पर तमाम सारे मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे। इसमें से ऑलरेडी आप सभी को पता ही होगा कि टेम्परेचर और डस्ट, ये दो बातें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भारत में आएंगी शिंकानसेन की E5 सीरीज, ये बनाई जाती है बाय हिटाची एंड कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज। ये कैपेबल रहती है 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में दौड़ने में एंड 3.35 मीटर की ये वाइड रहती है। अगर आप फ्रांस या जर्मनी की ट्रेन्स देखोगे ये ज्यादा वाइड रहती हैं कंपेयर टू जापानीज। बहरहाल अब यहाँ पर सोर्सेस ने ये भी बताया है कि जापानीज जो लोग बुलेट ट्रेन बना रहे हैं वो लोग अब इंडियन वेट को भी ध्यान रखेंगे, बिकॉज आमतौर पर जापानीज ज्यादा हल्के रहते हैं कंपेयर टू इंडियन, सो इसे भी कंसिडरेशन में डाला गया है। इसी की वजह से यहाँ पर इनिशियली 6 ट्रेन पहले मॉडिफाइड वर्जन भेजी जाएंगी एज पर इंडियन स्पेसिफिकेशन और फिर बाकी के जितने भी कोचेस होंगे सबको नॉकडाउन कंडीशन में लाकर भारत में असेंबल किया जाएगा। इसी बीच यहां पर जापानीज एम्बेसडर टू इंडिया सतोशी सुजुकी जी ने एक काफी बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है इतने ट्रेमेंडस प्रोग्रेस को देखते हुए यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कही, उन्होंने कहा कि हम सेकेंड क्लास ट्रेन नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं भारत को, हम वही सेम E5 सीरीज भारत को देंगे या फिर इनफैक्ट जापान में जो दौड़ती है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी की बुलेट ट्रेन भारत में आ सकती है, बिकॉज 2026 तक तो ये टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा एडवांस हो जाएगी और तब भारत के पास सबसे एडवांस बुलेट ट्रेन की सीरीज रह सकती है। आपको बता दें कि ये सबसे एडवांस जो बुलेट ट्रेन की सीरीज है E5 सीरीज, ये जापान के नॉर्दर्न पार्ट्स में दौड़ाई जाती है। काफी सारे सेफ्टी फीचर्स से ये लैस है, जैसे कि एंटी सेस्मिक टेक्नोलॉजी ये भी इसमें लगाई गई है। वैसे गुजरात में ट्रैक लेइंग का वर्क भी शुरू है, 237 किलोमीटर के कॉन्ट्रैक्ट को तो ऑलरेडी अवार्ड भी कर दिया गया है और जल्द ही अब जो बैलेंस 115 किलोमीटर का है इसे भी जल्द अवार्ड कर दिया जाएगा। सो क्वालिटी और टेक्नोलॉजी से यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है जरूर से कमेंट कीजिएगा।